जब मन उदास हो ना तो चीनी वाली चाय पी लेनी चाहिए। आई डोंट माइंड, सुबह भी, दिस इज सेकेंड। थोड़ा सा लो मूड है ना, उसको अपलिफ्ट करती हूँ। मिलते हैं चाय पे। हाय, चाय के साथ मैंने सोचा थोड़ी इयररिंग्स डालती हूँ, अपने आप को थोड़ा पेपअप करती हूँ। बहुत दिन नहीं डालो ना तो फिर वो कान के छेद है ना, वो बंद होने लगते हैं। मेरी आदत नहीं है झुमके डालने की, बट ना एक बार जब मुझे डालना पड़ गया तो वो जा ही नहीं रहा था अंदर। फिर मैंने सोचा कि नहीं, बीच बीच में डालना चाहिए। मेरी जब शादी हुई थी ना, तो फिर उसके बाद दिल्ली में थी मैं तो हस्बैंड के साथ, तो मैं केरला में आ गई, उनका ट्रांसफर हो गया था। तो मैं सोचती, मैंने कुछ सोचा नहीं कि जगह का डिफरेंस कैसा होगा। तो मैं सोचती थी कि जैसे नॉर्थ है वैसे ही साउथ है। यहाँ पे आई तो मैंने देखा यहाँ की भाषा, खान पान, कपड़े पहनना सब अलग है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आई वॉज हैप्पी। सब वो कहते हैं ना, व्हेन यू लव समवन तो उसकी दुनिया भी बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे सब बहुत अच्छा लगता था, एवरीथिंग वॉज गुड। मगर मुझे ना दोस्त नहीं बन पाते थे। तो मैं सबको खाने पे बुलाती थी और पार्टी मैं करूंगी, शाम को बुलाऊंगी, तो सब आते थे, खाते पीते थे और चले जाते थे, और मुझे कोई वापस बुलाता नहीं था। तो मुझे बहुत दुख होता था। तो मैंने एक दिन हस्बैंड को बोला, वो बहुत मैच्योर है मेरे हस्बैंड और बहुत अच्छा सजेस्ट करते हैं, शांत टाइप के आदमी। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुमको दोस्त नहीं बन पा रहे हैं, तुम शायद बहुत चूजी हो, तुम बहुत यू नो पर्टिकुलर हो कि कैसे। तो ये मैं कॉलेज स्टूडेंट ही थी, तो मैं अपने पे मुझे कुछ वो नहीं था कॉन्फिडेंस। तो वो जैसे बोलते तो मैंने सोचा कि हाँ शायद वो सही बोल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, जो भी है मैं सब जगह ट्राई मारती हूँ। तो मुझे जो भी मिलते थे, तो मैं दोस्ती के लिए, मैं चूजी ना हो के, चूजी तो हर इंसान होता है, मगर मैं कॉन्शियसली मैंने पूरी कोशिश की, सबको बुलाया एक एक करके। जो भी मुझे हस्बैंड के कुलीग्स की वाइफ्स होती थी सबको मैं इनवाइट करती थी, मगर वो लोग मुझे नहीं बुलाते थे वापस। तो मुझे बहुत हर्ट होता था, और हर्ट होके मैं करती रही। तो मेरे हस्बैंड बोलते थे तुम करो मगर फल की इच्छा मत करो, इट्स ओके। तो मैं उनको बहुत बिलीव करती हूँ, ट्रस्ट करती हूँ। मैंने कहा नहीं, वो मैच्योर है, उनको एक्सपीरियंस है। तो मैं करती रही और बहुत डिसअपॉइंटेड होती गई। बहुत डिसअपॉइंटमेंट के बाद ना फिर मैंने उनको बोलना शुरू किया, अब हम यहाँ से ना साउथ से हम चले जाएंगे, अपने नॉर्थ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई बन नहीं पा रहा है, और मैं यहाँ पे बोर होती रहती हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड तो सुबह जाते थे, रात को आते थे, करियर में बहुत डेलिकेट टाइम होता है स्टार्टिंग में। तो मैं समझती थी वो सब, और मैं घर में ज्वाइंट फैमिली में मैं अकेली रहती थी, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर सकते, छोटी जगह पे यू नो केरला की छोटी जगह पे मैं आ गई थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि उनकी, उन्होंने कैजुअली बोल दिया कि ठीक है हम नॉर्थ तो चले जाएंगे, मगर कोई गारंटी नहीं है कि तुमको वहाँ कोई दोस्त मिलेगा, क्योंकि दोस्ती ऐसे कुछ जगह बदलने से नहीं होते हैं। उन्होंने पता नहीं बस ऐसी कैजुअली बोल दी, मेरे बात दिल पे लग गई कि मुझे डर लग गया कि मेरे कारण वो अपना करियर, अच्छी कंपनी छोड़ के अगर नॉर्थ चले गए और वहाँ पे फिर मुझे वो इश्यू आ गया। तो एक्चुअली वो मेरी इतनी डेलिकेट एज थी, मैं 19 साल की थी, तो मैं डर गई कि अगर नॉर्थ में चले जाएंगे तो वो जो अच्छी जॉब छोड़ के और वहाँ भी मुझको ये फ्रेंड इश्यू आ गया, तो वो जिम्मा मुझ पे हो जाएगा ना कि करियर, अच्छा करियर भी गया और अपने जस्ट दोस्ती के कारण। तो मैं डाउट करने लग गई। तो ऐसे धीरे धीरे ना मुझे भीड़ भाड़ से और लोगों से डर लगने लग गया। मतलब हम जब इतने डेलिकेट एज में होते हैं ना, तो हमें किसी की बात ऐसे दिल पे लग जाती है। तो हम जब उस कच्ची उम्र में होते हैं ना, तो
पता नहीं कोई जो बड़ा हमें सजेस्ट करता है तो उसकी बात हमें कब दिल पे लग जाए तो कुछ पता नहीं होता। मैं अब रियलाइज करती हूँ कि जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए, कच्ची उम्र में नहीं करनी चाहिए, और वो जल्दबाजी मेरे लाइफ में हो गई तो मैं अपना पर्सनालिटी नहीं बना पाई थी, कॉन्फिडेंस नहीं था, बहुत डरपोक टाइप की थी। तो अपना करियर बनाना, अपनी जिंदगी बनाना बहुत जरूरी है ना। हम क्या है, हमें अपने आप को समझना बहुत जरूरी है कि हम कौन हैं, हम क्या चाहते हैं जिंदगी से। हम 18-19 साल में हमें अपनी ही कुछ खबर नहीं होती है, हम बच्चे होते हैं तो हम जिंदगी को क्या समझेंगे। तो हमसे वो सब गलतियां बहुत हो जाती हैं, है ना। हम पीपल प्लीजर बन जाते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए हम अपने आप को खोते रहते हैं। तो शादी की इतनी एक उम्र है, 25 साल 26 साल के बाद ही, उससे पहले तो हमें अपने पे वर्क करना चाहिए, अपने आप को एक रूप देना चाहिए कि हम कौन हैं, डिस्कवर करना चाहिए, है ना। तो मैं अपनी आइडेंटिटी खो गई और लोगों से डरने लग गई, तो मुझे ये एंग्जाइटी इश्यू हो गया। तो मुझे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे लोगों के बीच में रहना बहुत अच्छा लगता है, बातें करना, बट उसी चीज़ से मुझे डर हो गया क्योंकि मुझे रिजेक्शन मिल गई लोगों से, और उस समय मुझे कोई करेक्ट गाइडेंस नहीं मिली। तो शादी करके मेरा कॉलेज छूट गया और मैं घर से ही डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई करने लगी। तो घर के अंदर किसी की ग्रोथ नहीं हो सकती है, ग्रोथ घर के बाहर, जब इंसान बाहर निकलता है, धूप में चलता है, थोड़ी ठोकरें खाता है तो पता चलता है कि जिंदगी क्या होती है, कैसे होती है। घर के अंदर रह करके आराम से कंफर्ट जोन में रहना, उसमें हम क्या सीखेंगे, हम कुछ नहीं सीख सकते जिंदगी की सच्चाई। तो हर चीज का समय होता है, समय के साथ ही सब ठीक होता है। तो ऐसे मुझे एंग्जाइटी इशू आ गए तब से, और अभी बारिश है तो बरसात में मुझको और एंग्जाइटी बढ़ जाती है। वो जो जोर से हवा वगैरह चलती है ना, बारिश और डार्क मौसम हो जाता है तो मेरा दिल ऐसे धक 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 करने लगता है, ऐसे लगता है ना जैसे गाड़ी कोई स्पीडली मेरे ऊपर से चली जाएगी। तो इसीलिए चाय पी के अपना मूड ठीक करती हूँ। नेल्स ना पूरे वो हो गए, चिपड ऑफ। तो मैंने सोचा थोड़ा नेल पॉलिश लगाती हूँ। कल परसों ना इतनी जोर की आंधी आई ना, तो फिर मेरा जो कपड़ा डालने वाला स्क्रीन है वो गिर गया। तो मैं सुबह 5 बजे उठी, डर के मारे क्या गिरा, जब स्क्रीन को उठाया तो मेरी उंगली उसके बीच में ऐसे दब गई और मेरा नाखून ही टूट गया उसमें, तो सारे मैंने ऐसे छोटे कर दिए। ये लाइट्स है ना, ये मैंने होम सेंटर से ली थी, ये लाइट्स मैं ऑन करके दिखाती हूँ। ये खूबसूरत है ना, ये कुछ 350 रुपए में आई थी, और इतनी इतनी है, बैटरी से चलती है, इसको कहीं भी रख दो, मतलब ऐसे नहीं कि प्लग पॉइंट की जरूरत है। दिवाली से पहले ली थी मैंने, बहुत प्यारी है। See this? मैं सोचा था कि मैं तेल लगाती हूँ, इतना ड्राई हो गया ना स्कल्प, अभी नेल पॉलिश लगा ली तो अभी ये लगा नहीं सकती, इसको सूखने का वेट करती हूँ मैं। चंपी टाइम, मजा आता है ना, तेल जब डलता है तो स्कॉल्प में ठंडा ठंडा। ये जो पार्ट है ना, ये कितना ड्राइएस्ट पार्ट होता है ना, तो यहाँ पे मैं थोड़ा ज्यादा ऑयल लगाती हूँ, बहुत ड्राई बाल है मेरे। दोनों जा रहे हैं सुपरमार्केट।
हमारी आउटिंग। ये है हमारे बिल्डिंग का क्या है कॉरिडोर, बेसमेंट। आजकल सुपरमार्केट जाना ऐसी फील रहता है जैसे कि हम मॉल जा रहे हैं, और हम जा रहे हैं ब्रेड एक्सचेंज करने, छोटी मोटी शॉपिंग करने, दूध लेने जा रहे हैं, अंडा लेने जाते हैं। दूध अंडे की शॉपिंग कौन है? ये मेरी बेटी है, बिटिया रानी। मास्क ढीला है यार, ये तो इसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। आउच, चल थोड़ा तेज चलते हैं। अभी बरसात का पूरा जोर शोर से शुरू नहीं हुआ मॉनसून केरला में, आज लकली सनशाइन, लकी है हम लोग, है ना? हम लोग का टाइमिंग अच्छा है निकलने का। नहीं तो यहाँ ना कभी भी बारिश शुरू हो जाए पता नहीं, वेरी अनप्रेडिक्टेबल। ये मेरा मास्क नीचे ही आ जा रहा है, इसका कोई जरूरत ही नहीं है लगता। हमारा जिम यहीं पर ऊपर में है, मतलब बेचारा बंद पड़ा है, कोई नहीं है। ट्रॉली से तो ये है हमारी बिल्डिंग की छोटी सी आउटसाइड एरिया, ज़्यादा जगह नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग वॉक वगैरह नहीं कर सकते, दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। ये है तीसरा चश्मुल्ला चश्मिश, रोहित हादिसन किंडरगार्टन, बचपन से इसको लगा था। आई वाज बॉर्न ब्लाइंड, इसको हम लोग हैरी पॉटर बोला करते थे, हैरी पॉटर।
आज सबको चाहिए दो दो पराठे. टू फॉर मी प्लीज. कितना चाहिए? तीन. आई नेवर ईट लेस. ये मेरा स्ट्रिक्ट रूल लग रहा है ना. रूल बोल रही हूँ. कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं हम लोग? कॉन्जरिंग. कॉन्जरिंग तो देख ही सकते हैं ना. वो नया वाला नहीं देख सकते बट पुराना वाला तो देख सकते हैं. फिर से आज ना मन अजीब सा कर रहा था ना. थोड़ी एंग्जाइटी हो गई थी तो बाहर से खाना मंगाया है. तो ये हमने मंगाया है केरला. केरला फूड. केरला पराठा. रोज दिखाओ यहाँ पे. ये है केरला पराठा. ये ऐसे आते हैं. ये ना गरम गरम ही खाने को अच्छे लगते हैं. अभी क्या करें, होम डिलीवरी कराना पड़ता है. तो ये लच्छेदार पराठा जैसा है तो इसको मैं तवा पे गरम करूंगी. ये सब ये पराठे ठंडे हो जाते हैं ना तो उसका मजा चला जाता है. तो मैं ना तवे में ही रोस्ट करती हूँ. आई लाइक इट दिस वे. क्रंची क्रिस्पी. बच्चे लोग है ना उन लोग को माइक्रोवेव में ही पसंद है. सॉफ्ट आई वांटेड लाइक दिस. अच्छा आज तुम कर रही हो तो क्यों नहीं. मुझे भी चाहिए. ये सब आलसी राम है ना. इन लोग को आज यही चाहिए. अच्छा लगता है ना. थोड़ा सा रोस्ट फीलिंग आती है. मैं कुछ नहीं कर रहा. वो झूठ बोल रही है. यू शोइंग मी द टंग. इवन नाउ यू शोइंग मी द टंग. वो झूठ बोल रही है. मम्मा रितु शोइंग मी हर टंग. ये है केरला चिकन करी. इसमें ना कोकोनट का ग्रेवी. कोकोनट से ग्रेवी बनाते हैं तो हम लोग को बहुत पसंद है ये. तो हम तीन है खाने वाले तो तीन पैकेट्स मंगाए मैंने. तीन डिशेस. बहुत यम्मी होती है ये. तो मेरे बच्चों को तो केरला डिशेस ही पसंद है. केरला का चिकन करी हो, बीफ हो. आज हम लोग ने सोचा कि बैठ करके हॉरर मूवी देख ही लेते हैं. वो लास्ट टू डेज से हम लोग ट्राई कर रहे हैं, हो ही नहीं पा रहा. तो हमने सोचा चलो आज आज थोड़ा मन अजीब सा हो रहा है ना तो थोड़ा ठीक करते हैं. तो ये था मेरा आज का दिन. थोड़ा डल था मगर शाम तक ठीक कर लिया मन. तो अभी मैं थोड़ी देर बालकनी में बैठूंगी, थोड़ी लाइट्स को देखूंगी, एंजॉय करूंगी. तो मैं व्लॉग को अभी एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में. आप लोग कमेंट करके बताइएगा, शेयर कीजिएगा. और मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा. तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए Good night, bye.